हेलो वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है इंडियन मल्टी क्रिएटर में। तो आज जो मैं आपको एक नई चीज़ जहाज़ में जो मैं दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा इसका एक सिनेमैटिक लुक, जो आप बताना जो पूरा मूवी से मैच हुआ है इसका जो लुक है, क्योंकि वो जो सिनेमैटिक जो लुक आएगा आपने इसके शॉर्ट्स वीडियो तो देखे ही होंगे और कल पोस्ट भी मैंने रखी थी यूट्यूब पे, उस पोस्ट में भी मैंने इसका डाला था तो उसमें इसकी लाइटिंग के ऊपर था। तो लाइटिंग के बाद में इसका ग्लो कैसा आ रहा है, इसका लुक कैसा आ रहा है और इसमें ओरिजिनलिटी कितनी आ रही है, तो आज मैं सारा काम सब उसके ऊपर करूँगा और आप देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगा, ये हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने और ने ऐसा बनाया है या नहीं, और अगर किसी ने बनाया है तो आप मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया का जो अपना यूट्यूब चैनल है जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, इस पर अभी तक मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी ऐसा वीडियो बनाते हुए मैंने अभी तक देखा हिंदुस्तान में अभी तक टाइटैनिक के ऊपर किसी ने वीडियो बनाया है, या बाहर भी मैंने नहीं देखा अभी तक कि बाहर अदर कंट्री में भी किसी ने ऊपर कोई वीडियो मतलब इस तरह करके बनाया जो हाथ से बनाए हुए पूरा शेप है। और इसका मैं आपको लुक दिखाऊंगा, लुक आपको इसका पूरा आज मूवी वाला लुक मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार आपको इसमें मज़ा आ जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हर चीज़ में थोड़ा बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो जो चीज़ें इसमें कंप्लीट लगभग हैं तो वो चीज़ की आप मैचिंग करना और वो चीज़ बताना आप, क्योंकि वैसे तो जहाज़ तो पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी जब इसमें लाइटिंग इसमें होगी तब आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, इसमें वो चीज़ इसमें आ रही है या नहीं, क्योंकि जब हमारे जहाज़ में लाइटिंग के बाद में इतना कुछ आ सकता है तो ज़ाहिर सी बात है कंप्लीट होने के बाद में इसमें पूरा सिनेमैटिक लुक आएगा। ये भी एक प्यार की निशानी है, मैंने भी इसे प्यार की निशानी तौर पर ही बनाया है, तो आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। बस यही है कि मैं इसको यहाँ से हटाना तो चाहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अब इस टाइम मैं हटा नहीं सकता इसको कहीं से कहीं पर, ये हमारा बिना लाइट का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और जब मैं अभी इसका लाइट का व्यू आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है अगर कुछ मुझे ध्यान रहे तो मैं बीच बीच में बताऊंगा, वरना सीधा आपको व्यू ही दिखाऊंगा इसका। ये है हमारा शिप, सॉन्ग का तो पता नहीं, मैं वैसे इसमें सॉन्ग डालना तो चाहता था लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से मैं इसमें इसका जेन्युइन सॉन्ग नहीं डाल सकता। लास्ट टाइम मैंने एक सॉन्ग डाला भी था तो उस पर भी कॉपीराइट आ गया, राज मूवी का सॉन्ग था लेकिन वो मैंने बजाया खुद था माउथ ऑर्गन पर सेल्फ, मैंने उसको डाला था पीछे लास्ट बैकग्राउंड म्यूजिक में तो उस पर मेरा कॉपीराइट आ गया, तो इसलिए
वैसे कोई ऐसा सॉन्ग नहीं, लेकिन हाँ जो यूट्यूब रिकमेंडेड करते हैं सॉन्ग्स को, मैं वही सॉन्ग इसमें मैं लगाऊंगा। तो आप मुझे बताना कि आपको शिप का इम्प्रेशन कैसा लगा। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, पूरी जान लगा दी इसे बनाने में, और ये मैंने खुद के लिए नहीं बनाया। बस ये है, किसी चीज़ ने वो जुनून मेरा वापस पैदा कर दिया जो पहले मेरे अंदर था। और ये मेरी लाइफ का चौथा सबसे बड़ा जहाज़ है, लेकिन वो भी टाइटैनिक थे, ये भी टाइटैनिक है। वो छोटी एज में बनाया था, लेकिन ये अब मैच्योरिटी के बाद बनाया है। ये करीब मैंने 8 साल की उम्र के बाद में आज बनाया है। चलिए फिर दिखाते हैं फिर आपको नाइट का व्यू, नाइट के व्यू में ये आपको कैसा लगेगा। तो गाइस अभी वैसे दिन का टाइम है, लेकिन रात वाला इफेक्ट बनाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। तो ये रहा इसका व्यू। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि लाइटिंग बनाने की पूरी मैंने वही कोशिश करी है जैसे कि मूवी में थी रात के वक्त में। खैर यहाँ रात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कमरे की लाइट को ऑफ किया है और कोशिश करी है कि नाइट वाला पूरा एक अच्छा लुक निकल के आए। मैं सोच नहीं रहा था इसकी लाइटिंग के ऊपर अभी कोई वीडियो लाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। चलो कोशिश में और करते हैं, लेकिन वही था, सामान भी अभी पूरा है नहीं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से वो चीज़ लेकर नहीं आता। मेरे पास में ऐसा था नहीं, तो इसलिए मैंने अपनी रिचार्जेबल ड्रिल मशीन की बैटरी निकाल कर ही उससे मैंने इसको चालू कराया। तो ये हमारा हिंदुस्तान का पहला हैंडमेड टाइटैनिक है जो पूरी तरह से हाथ से बनाया हुआ है। हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। सिनेमैटिक व्यू है इसमें, जो ऊपर कांच का बॉल होता है राउंड राउंड जैसा, यहाँ जैक और रोज डांस करा करते थे।
बस 3 मिनट और पकड़ लो, रेस्ट लेना है। पढ़ो सर, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते तो हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, लाइक भी नहीं करते। तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों के पास में शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन आगे भी बढ़े। तो आज के लिए थैंक यू।